प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म द पीएम मोदी की रिलीज को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र भेजते हुए 5 अप्रैल को रिलीज होने वाले फिल्म को रोकने की मांग की। सुरेश मिश्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय इस फिल्म को रिलीज करना भाजपा और पीएम मोदी की एक साजिश है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है, लेकिन सत्तासीन पार्टी भाजपा कानून का मखौल उड़ाकर के चुनाव की प्रणाली पर सवाल निशान लगा रही है। उन्होंने फिल्म को सीबीएफपी से मान्यता दिलाने को लेकर के जयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री को भी निशाने पर लिया। ये आवश्यक है कि या तो इलेक्शन कमीशन से उसकी परमिशन ली जाए या इलेक्शन कमीशन उस पर तय करे कि ये मापदंड है, उसके आधार पर परमिशन दी जाएगी। अब हो ये रहा है कि पूरे देश में फिल्म आ रही है, उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसके लिए एड चलाए जा रहे हैं, कैंपेन चल रहा है। अब 5 तारीख के दिन पूरे देश को गुमराह करने के लिए कि पीएम मोदी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी बायो बनके सामने आई है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री है, उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड से मिलकर के इस फिल्म को परमिशन दी है रिलीज करने के लिए, जो सरासर गलत है। इसके लिए हमने आज इलेक्शन कमीशन को शिकायत पत्र भेजा है, साथ ही उनसे आग्रह किया है कि तुरंत प्रभाव से फिल्म पर रोक लगाएं। अगर वो 3 दिन में इस पर रोक नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और न्यायालय से आग्रह करेंगे कि फिल्म को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।